प्यारे देशवासियों, हम इमरजेंसी की घोषणा करने वाले हैं। अपने घरों से बाहर मत निकलिए। सभी जानते हैं कोरिया ड्रामा कितनी तेजी से इंडिया में पॉपुलर हो रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि एक ऐसा ड्रामा बताओ जो आसानी से समझ में आए और सीधा हमारे दिल में उतर जाए और पॉजिटिव एनर्जी से भर दे, ना कि बॉलीवुड की तरह घिसा पीटा चीप घटिया और एक ही कंटेंट दिखा दिखा कर हमें डेमोक्रेटाइज करे, हमारे दिमाग में नेगेटिविटी ना पैदा करे, तो आप सीधा कोई एक कोरियन ड्रामा का ही नाम लोगे, क्योंकि कोरियन ड्रामा पूरी दुनिया में जाना जाता है अपने यूनिक आइडिया, स्वीट सिंपल सा और अपने डिफरेंट रोमांटिक स्टोरी लाइन से। भले ही इनकी स्टोरी सिंपल और स्वीट होती, फिर भी इनकी रोमांटिक इमेजिनेशन और उसकी स्टोरी में इम्प्लीमेंटेशन सबसे हटकर होता है, इसीलिए हम ऑडियंस के दिलों में सीधा उतर जाती है। तो आज के रिव्यू में ऐसे ही वर्ल्ड बेस्ट टॉप 5 कोरियन ड्रामा सीरीज लाए हैं। अगर आप कोरियन ड्रामा सीरीज में नए हैं तो इस लिस्ट की कोई एक सीरीज उठाकर देख लीजिए, मेरा यकीन मानिए कोरियन ड्रामा से आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि इस लिस्ट की सारी मूवी टॉप 10 बेस्ट कोरियन सीरीज में से टॉप 5 वर्ल्ड बेस्ट सीरीज को पिक किया है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये सीरीज पसंद ना आए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, यूट्यूब हमेशा हमें दिखाता है 98.5% ऑडियंस वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज वीडियो को देखकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, इस लिस्ट की सारी ड्रामा सीरीज हिंदी में अवेलेबल है और कहाँ से देख सकते हैं वो भी बताएंगे। तो चलिए कोरियन ड्रामा की दुनिया में चला जाए। नंबर 5 पे अगर आप चीरफाड़ जॉम्बी मॉन्स्टर हंटिंग ब्रूटल तरीके से एक्शन सर्वाइवल मूवी के फैन हैं तो ये सीरीज आपके लिए विजुअल ट्रीट से कम नहीं होगा। नेटफ्लिक्स की तरफ से यूनिक और खतरनाक 2020 की हॉरर थ्रिलर के साथ स्वीट होम सीरीज की शॉर्ट स्टोरी है शहर के लोगों को एक खतरनाक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं, जहां एक अपार्टमेंट में कुछ लोग बचे हैं, उन्हें सरवाइव करना है। सीरीज के सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इसके एपोक्लिप दुनिया सच में खतरनाक है और सारे कैरेक्टर की परफॉर्मेंस फर्स्ट एपिसोड से ही सीरीज आपको हुक कर लेगी। इन सभी के बावजूद इनके खून खराबा मॉन्स्टर हंटिंग इनके सर्वाइवल स्किल ये सभी सीरीज को मस्ट वॉच बनाती है। बस इसका नेगेटिव पॉइंट फील होता है लो बजट और क्रिएटर की इतनी अच्छी एक्टिंग होने के बावजूद भी सीरीज से इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं हो पाते। खुशी की बात है इसके कमाल की नेटफ्लिक्स की तरफ से हिंदी डबिंग इन सब की भरपाई तो नहीं करती पर आपको सीरीज से हुक करके जरूर रखती है। इसे आप एक अच्छी हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। नंबर 3 पे है कोरिया की वन ऑफ दी बेस्ट रोमांटिक सीरीज में से एक। इस सीरीज के इमोशन मेरे दिमाग पे इतना गहरा इंपैक्ट छोड़ा कि कई दिनों तक गूगल में सर्च करता रहा कि इसके जैसा कोई और सीरीज मिल जाए। रोमांस ड्रामा 2013 की सुपर डुपर हिट माई लव फ्रॉम द स्टार इस इंटरेस्टिंग सीरीज की स्टोरी डोमिजॉन जो एक एलियन है 400 सालों से धरती पे रह रहा है और खास बात डोमिजॉन के पास खूब सारा सुपर पावर है। वो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होता है जिसमें रोमांस के साथ सुपर पावर भी हो और दूसरी ओर संगाई कोरिया के पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक है। उसके बाद उन दोनों के अजीबो गरीब तरह से मिलना, इसी तरह से इन दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार हो जाता है। सुनकर ही इसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, सीरीज इससे भी इंटरेस्टिंग है। हम जितनी आसानी से इनके शॉर्ट स्टोरी बता दिए देखने में बिल्कुल ऐसा नहीं है। सीरीज के स्वीट और कॉम्पैक्ट स्टोरी लाइन, छोटी छोटी ट्विस्ट एंड टर्न और उसके सही टाइमिंग आप सीरीज से एक पल के लिए भी नजरें नहीं हटा पाओगे। अगर आप लव रोमांस ड्रामा सीरीज के फैन हैं तो आप अपने सारे काम कर लीजिए, क्योंकि एक बार ये सीरीज स्टार्ट कर लिया तो कुछ नहीं पूरा देखकर ही छोड़ोगे और कई दिनों कई महीनों तक आप इस सीरीज के इमोशन भुला नहीं पाएंगे। इसे आप एक अच्छी हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 2 की सीरीज मोटिवेट कर आपकी एक एक रगों में पॉजिटिव चार्ज भर देगी। अगर आप बॉलीवुड के 3 इडियट के कॉन्सेप्ट और मुन्ना भाई MBBS के कॉमेडी के फैन हैं तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच होनी चाहिए। नेटफ्लिक्स की तरफ से धमाकेदार वेब सीरीज 2021 की स्टार्टअप। इस सीरीज में इतना दम है कि कोरिया के 85% लोगों में जागरूकता आई है अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। शायद इसलिए कोरिया में 85% लोग मालिक हैं और वहीं इंडिया में 25% लोग। बहरहाल कड़वा है पर सच है। बात करें स्टोरी की तो 3 दोस्त कैसे एक छोटे शहर के गलियों से उठकर सिर्फ अपने हुनर और कुछ कर गुजरने के हौसले से कोरिया के सबसे बड़े कंपनी खड़ा करते हैं।
सीरीज के सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, उतार चढ़ाव के साथ हमारे जिंदगी के कई बड़े बड़े लेसन सिखा जाती है। और इसके दूसरे पॉजिटिव पॉइंट है इसके कैरेक्टर की आउटस्टैंडिंग एक्टिंग, जो सीधा आपके दिल में उतर जाएगी। ऐसी मेच्योर वेब सीरीज हम इंडियंस के लिए बहुत ही जरूरी है। तो एजुकेट, इंस्पायर और चेंज करे, इसके लिए सीरीज के क्रिएटर और नेटफ्लिक्स को हजारों बार थैंक यू बोले तो कम होगा। नेटफ्लिक्स की है तो इसके हिंदी डबिंग पूछिए मत, आपको इमोशनल लेवल पर हिट कर आपके दिल में उतर जाएगी। ऑल इंडियन मस्ट वॉच अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स इन हिंदी लैंग्वेज। नंबर वन की सीरीज के इमोशन और जॉम्बी के इम्पैक्ट इतना गहरा है कि आपको भूखा प्यासा छोड़ देगी कि ये सीरीज खत्म ही क्यों हुआ। ऐसी मास्टरपीस बियॉन्ड इमेजिनेशन एपिक सीरीज बनाने के लिए जिगरा सिर्फ कोरियन इंडस्ट्री में ही है। हॉरर थ्रिलर सर्वाइवल 2019 की नेटफ्लिक्स की तरफ से सबसे बेस्ट जॉम्बी सर्वाइवल सीरीज में से एक किंगडम। ट्रेन टू भूसान, अंडरवर्ल्ड, वर्ल्ड वॉर जी, जॉम्बी लैंड, ये बेस्ट मूवी को मिलाकर अगर 19वीं सदी में एक सीरीज बनाया जाता तो उतना इंपैक्ट नहीं होता जितना किंगडम। शुरुआत के एपिसोड से ही ये सीरीज आपको जकड़ लेगी, क्योंकि हर एपिसोड की एंडिंग ऐसे मोड पर खत्म होता है कि आप मजबूर हो जाते हो नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करने के लिए। सीरीज की 6th सेंचुरी के दशक की सेट, जहां एक एक करके लोग जॉम्बी में कन्वर्ट हो रहे हैं। सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट है 6th सेंचुरी का वो सेट, जो डायरेक्टर ने इतनी बारीकी से सीरीज में इंप्लीमेंट किया है कि मानना पड़ेगा सच में माइंड ब्लोइंग है। और इनके पास हथियार के नाम पे बस तलवार और तीर कमान है, और इनसे ही इन्हें जॉम्बी से लड़कर सर्वाइव करना है। ऐसी एपिक बियॉन्ड इमेजिनेशन मास्टरपीस वेब सीरीज एक ही बार बनती है, इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और खुशी की बात है अनऑफिशियली हिंदी डबिंग अनऑफिशियली साइट पर अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ऐसे ही यूनिक और फ्रेश क्वालिटी कंटेंट आपको देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।